किस तरह से आप प्लास्टिक की बॉटल से बना सकते हैं पेन होल्डर, और वो भी यूनिकॉर्न नहीं पर मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बनाऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो अब वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक प्लास्टिक बॉटल, मैंने बड़ी वाली बॉटल ली, आप मीडियम साइज बॉटल ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं, और सीजर, स्केल, पेन और कलर्स, कलरोनी के कलर्स और दूसरे डक्स के कलर्स भी ले सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने फॉक्स के लिए तो डक्स के लिए थे, तो मैंने अब जो है अभी देख सकते हैं आप, मैं इसको कट करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आर्क लगाऊंगी, अब मैंने आर्क में जितना मुझे था मुझे चाहिए था मैंने आर्क लगा दिया। चाहे मीडियम साइज़ भी ले सकते हैं और छोटी बॉटल भी लेते हैं, जितने छोटा आपका होगा उतने छोटा आपका पेन होल्डर बनेगा, डिपेंड आपके ऊपर करते हैं। मैंने इसको काट लिया है, अब मैंने देखे मैंने इसमें बिल्कुल आसान नोटबुक पेपर्स लिए हैं, ठीक है। नोटबुक पेपर सबको मिल जाते हैं, तो इस तरह से मैंने टेप से जोड़ लिया, ठीक है। नोटबुक पेपर जो है ना वो किसी को भी मिल जाते हैं, आपकी कॉपीज़ वगैरह में सबको मिल जाते हैं, तो इस वजह से मैंने नोटबुक पेपर लिए, बिकॉज कंप्यूटर पेपर मिलना मुश्किल होता है। मैंने फिर मैंने इसके ऊपर इसका क्राउन बनाऊंगी, वो जो कोन की तरह होता है, ठीक है। तो मैं इस पर कलर करूँगी, बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये भी तैयार कर लिया फ्लावर्स, और मैंने इसका क्राउन भी तैयार कर लिया कोन जैसा, ठीक है। तो मैं इसमें लगाऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें किस तरह से बहुत प्यार से लगा लिया। मैं इसके ऊपर स्कैप भी बनाऊंगी, तो देखिए कितना अच्छे से रेडी होगी। साथ मैं इस पर थोड़े से ब्लश लगाए, तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा रही हूँ, और ये रेडी हो चुका है, बहुत ही आसान वे में। तो आप इसको घर में आराम से बना सकते हैं, बस आपको एक बॉटल की नीड होगी, वो बॉटल आपको आराम से मिल जाती है। मैंने पेपर नोटबुक वाले लिए, पुराने में नहीं लिए थे। थैंक यू सो मच।